हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम ये वाला लेसन करेंगे, एक गिटार हैक्स या फिर कोई इजी सी ऐसी ट्रिक जो आप मतलब बजा सको, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। सपोज अभी आपको थोड़े ही दिन हुए गिटार बजाए हुए, लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी है कहीं पे भी, या आप कहीं परफॉर्म करना चाहते हो हेल्दी एक परफॉर्मेंस, जिसमें आपको कॉर्ड्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना पड़े, स्ट्रमिंग ये सब चीज़ें, गाना गाना आपने, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। किसमें, ये एक ट्रिक है, ठीक है, इसको ट्रिक की तरह ही लेना लेकिन। और ये है ओपन डी ट्यूनिंग। जल्दी करेंगे इस लेसन को ताकि आपको मजा आए सुनने में, करने में। इस हिसाब से करते हैं कि ये जो ओपन है यही हमारी डी कॉर्ड बने, ठीक है, जैसे हम ऐसे स्ट्रम कर रहे हैं ना, यही हमारी डी कॉर्ड है। ओके, अभी आपने करनी कैसे है, बिल्कुल 10 सेकंड लगेंगे आपको ये सीखने में, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। ये फेंडर का ट्यूनर है, आपने खोल लिया, ठीक है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। ऑटो ट्यूनर पे आपने क्लिक किया, ये जो ऊपर ये सेटिंग वाला बार है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बड़ी सारी दिख जाएंगी, ओपन जी, ओपन डी, इस टाइप से, ठीक है। तो देन सिंपल आपको सामने दिख रहा है डी ए एफ शार्प डी ए डी, नीचे से ऊपर तक डी ए एफ शार्प डी ए डी, ठीक है, ये ट्यूनिंग है। तो नीचे से ऊपर तक डी ए एफ शार्प डी ए डी, तो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, अभी ट्रिक स्टार्ट हो गई है, आराम से करना इसको। ये हमारी डी कॉर्ड है, ओपन पूरी, ठीक है। अब हमने ना इस उंगली का इस्तेमाल करना है, इससे आपको बार कॉर्ड की भी थोड़ी सी समझ आएगी कि कितना जोर लगता है बार कॉर्ड पकड़ने में। अब ऐसे वैसे आप शेप तो नहीं लगा सकते ऐसे करके ऐसे करके, लेकिन ये तो लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारी डी है, सेकेंड फ्रेट पूरा बार कर दिया अगर हमने, ऐसे नहीं लगेगी, दो का दो से स्ट्रेंथ ले लेना। ये हमारी ई बन गई, ई मेजर, ठीक है, सिंपली डी मेजर, दूसरे फ्रेट पे ई मेजर, तो ये हमारी हुई एफ एफ शार्प, तो ये हुई जी जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे फ्रेट पे ई, पांचवें पे जी, ठीक है, देन जी शार्प, ये ए, ठीक है, और यही हम इस्तेमाल करेंगे मोस्टली आज। डी मेजर सिंपल ओपन मारी, दूसरे फ्रेट पे ई मेजर, ठीक है, पांचवें फ्रेट पे जी मेजर एंड सातवें फ्रेट पे ए मेजर, स्ट्रमिंग्स एंड वो सब आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले, ओके, मजा आएगा आपको। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, मैं आपको गाने बता देता हूँ, स्ट्रमिंग हम करते हैं क्या करते हैं सब आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहे। तो जैसे पहले हम यही गाना कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सोनिया सोनिया वे,
तो बस गाइज ऐसे कुछ गाने हैं ये, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ इसमें भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, आपकी कोई परफॉर्मेंस आप कहीं पे बिंदास परफॉर्म कर सकते हो। स्ट्रमिंग पैटर्न्स हमने क्या क्या इस्तेमाल किए, ठीक है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको अभी तक नहीं भी आता, आप डाउन डाउन में भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ये वाली चीज़ करोगे इसलिए कि आपको अभी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको रॉक एंड रोल भी करना है, आप इसमें भी वो कर सकते हो, ठीक है, ऐसे स्लाइड ब्लाइड मार के, ऐसे कुछ भी करके आप कर सकते हो। तो उसमें आपकी स्ट्रमिंग्स क्या रहेंगी, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप, ठीक है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप, जैसे डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। नहीं तो आप अप अप डाउन की जगह अप डाउन भी कर सकते हैं, जैसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। इस टाइप से आप कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्लो स्लो करनी होगी तो उसमें आप कर सकते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। इसमें आपको और कोई गाने चाहिए होंगे मेरे को ज़रूर बताना, मैंने अभी ऐसे ही किया, ठीक है, ताकि आपको पता चले या आपको पसंद आए। आपको पसंद आएगा मैं इसमें और भी गाने आपको ढूंढ के दूंगा, या आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्पाइसअप ऐड करते हैं, अगर आपको ना मज़ा नहीं आया तो, जैसे आपको पता है बी माइनर लेनी हो हमने, हम ऐसे लेते हैं बी माइनर या सिंपल ऐसे, और उसमें अगर हमें कोई पैटर्न बनाना हो तो हम ऐसे बी माइनर लेके ऐसे जी ऐसे ए या ऐसे बी माइनर ए जी इस टाइप से लेते हैं, बार में या ओपन में भी अगर आप ऐसे लें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बी माइनर हम ऐसे ले सकते हैं। बस हमारी जो थर्ड फिंगर है उसको हमने रखना है सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे, और जो हमारी मिडल फिंगर है सेकेंड वाली फिंगर उसको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट ही। तो ये हमारी यहाँ पर बन गई ऐसे बी माइनर, और बाकी तो आपको पता ही थी ए और जी वो चल रहा है। तो ये हमारा एक स्पाइस सब सा बन जाएगा, अगर आपको पसंद आया तो आप इसमें भी बड़े सारे गाने कर सकते हैं, ठीक है। कभी जो बादल बरसे देखो तुझे आंखें बरके तो लगे मुझे पहली बारिश की तरह, हाँ तेरे पहनों में रह लूं मैं खुद को ओके। ये एक रेप्लिका टाइप का, ठीक है, तो बिल्कुल आपको परफेक्ट वैसी वॉइसिंग नहीं मिलेगी कॉर्ड्स की, लेकिन सही है, आपका चल सकता है। देखो सिंपल ऐसे पकड़ा और इधर से ऐसे बार कर रहे हैं, दो फिंगर्स की भी आप मदद ले सकते हो, ठीक है। फिंगर बिल्कुल ऐसे नहीं रखनी है किसी भी फ्रेट पे, ऐसे करके थोड़ी सी टिल्टेड ये वाली साइड, ये वाली मतलब ऐसे है ना, तो थोड़ी सी ऐसे इस टाइप से, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं रख देनी है, थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। मैं कैमरे में देख रहा था वो मेरे को उल्टी पुल्टी दिख रही थी, ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ी सी इस टाइप से, तो आप ये मदद भी ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा बार कॉर्ड्स कैसे लगती हैं, मज़ा आएगा आपको, ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसको ट्रिक की तरह ही लेना, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज लाइक कर देना। ओ रे बिया
समयत जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़िया नो कोई मुलावे ना कुड़िया नी तेरे ब्राउन रंग दे मुंडे बट देनी सारे मेरे टाउन दे। बड़े सारे गाने हैं इसमें भी, मैं वो स्टार्ट नहीं अभी करना चाहता, वो जो ट्रिक थी उस पर ही आप ध्यान देना। अच्छा लगे लेसन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी आपको चीज़ें चाहिए मज़ेदार तो मेरे को ज़रूर बताना, हम करेंगे। और भी बड़ी सारी ट्यूनिंग्स है, ओपन जी ठीक है मैंने वो की हुई है, और भी हम करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग, पुराने वीडियोज़ भी देखें, नए वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइज।